बढ़िया बढ़िया गीत है आप सब सुने ने बाबू हरे हमरे देखा छा हेरन पहले पहले भात पर आई तो कई टेंट ला गए पुराने मॉडल वाला ज्योति जो है बसो लगा खड़ा कर रहे हैं काल दिल हरा पानी बरसे कोनो मतलब ना आई रहा अब है दुटका का बोल पिर गया घोल दम चुई गया है देखा ता जवान जवान फूल छाप दे अरे मोर बाप रे हाय हाय राती में कई जलवा देखे है हैं बा का करबे फैशन के जमाना आई बा काका आप परम सम्मानित जनजल में सम्मान पाने वाले हम तो सोचे आज बोहनी न होए राजेश भैया हाँ हम तो सोचे आज बोहनी न होए हाँ घरे जाए लग पे तब सब जरूरी नहीं करी ए बड़का भैया आप घर मालिक महोदय श्री राम कृपाल मौर्या जी जो कि बाबूजी चारों धाम के उपरांत बाबा गया जगन्नाथ स्वामी के भंडारा आज के हैं 10 जून को पक्की 9 जून को कच्ची बिरादरी अगुए के हैं अन्नो बिरादरी आए काफी दूर लेने उतरे यहाँ चर्चा में रहा बाबा लेकिन कई जने आए अभी तक पता नहीं बा यही लिया था केवल ही सफिनपुर वाले यहाँ हाँ भैया एक से एक रुपया के आशीर्वाद जना कहा आज बोहनी हो गया वाह ले ले मास्टर भैया हां धन्य कम भाई में आप सबके बीच में ई मास्टर भैया आज हमारे संकेत करता हां है कहना काबा हाय हाय हरे मथुरा नगरिया में परली दाईरिया हो भैया एक कौबाइरिया राधा तोड़ऊ ना पहवाली हो एक कौबाइरिया राधा तोड़ऊ ना पहवाली हो समझी ये बाजूरी का नहीं साउंड वाले दुख तकलीफ समझ पाए घर मालिक के बाद नहीं दुख तकलीफ समझ पाए राकेश साउंड सर्विस देखे भैया बढ़िया बाजा बाजाता है भगवान करे ऐसे बाजत रहा है राकेश साउंड सर्विस डीजे सादा के पावन सर जमीन के क्या रुपया के आशीर्वाद दाता सुखी रखे बड़का भैया सब सुखी रहे हैं हाँ, अब काम हो गया हमारे क्या मिल जाए कितना वाला लेबे हो 40 वाला ए बड़का भैया यार कहना काबा अरे कावा चढ़े भोले बाबा जिया कावा चढ़े भोले बाबा जिया वही हो कावा चढ़े कया टाइम ये देख ले नहीं ते घंटा 10 मिनट का पता लग 2.5 घंटा का ये बड़का भैया यार ना काबा
अरे बैला चढ़े भोले बाबा जी आवत वही आप सबका ज्योति दी बतौबे की है घुसिर यावा बर्धा सरिये मझारी एक जनाब हदर अली जुगनू जी गए आप तो विरह सुने हुई है ननकौआ बे ए ननकौआ बा स्वर्गीय गुरु श्री हैदर अली जी आरो यादव है प्रतापगढ़ की पवन सर जमीन से भैया जी के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद मालिक सुखी रखा है बढ़िया से पढ़ा लिखा भैया गजबे के रूप तोहर गजबे सुरतिया तू पौला ना हो पौला ना हो वाह ए बड़का भैया भाई गायन घुसुर गया बर्धा झकोरा मारे झुलनी हाय हाय गिरा के गोरी मारलू यही नजरिए इसबान हो हो लेकिन एक का हमरे स्वर्गीय गुरु श्री राम कला यादव जी थोड़ा चेंज कई दे गावे का अरे मोरे पिया परदेसिया सुने वाले बड़का भैया कौनो दुल्हन के दुल्हा परदेश तब के जमाने मोबाइल ना चलत रहन काका यही चिट्ठी तार चलत रहन कहा चिट्ठी तार भेजा तही बड़ा लालच देत ही लेकिन हमार दुल्हा ना आवत ना आवत हमार जीवन कैसे वही कहे का एक पत्ती भर के अरे मोरे दुल्हा परदेसिया ऐसा गावा रस चुग गए अरे मोर पिया परदेसिया आवट के ना जिया ये दुल्हा हाय का बाबू ता जाता ना कई के पिया के बोलाये अरे बाबू ता जाता ना कई के ए गुइया ए ज्योति भाई अपने राजा के बोलाये समझ लो ही पोआए दुल्हा परदेसिया आवाए वाह गुरुजी आज बाबूजी गाना उनका याद आवत है वो जब दुनिया छोड़ के चला गए काका 2014 के बाद हम चालू किए गावे आए कि है कैसे सुन सुन काका का करबे भैया हो बिना भाग से दर्शन ना हो देखा छुपको भैया आई है नरैनी की पावन धरती से ये हमारे बाबूजी के तरफ से श्री सुबेदार यादव जी बाबूजी के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद बोल चुके पलगी बा मालिक सुखी रखे बड़का भैया सब सुखी रहे
जे सब सुखी रहा है। जे दे वो नहु जे न दे का कर बे लॉकडाउन लाग गई स्थिति परिस्थिति गड़बड़ आई है। हाय हाय ए बड़का भैया यार हाय महीना के महीना जैसे बीता जात बा कायर माग बीता पूस बीता बीता ये तैयारी की जाय ना मेहरा रूमा दूसरे चली जाए। ए बड़का भैया यार तब का परदेशी कमाई चला जान लौटते ही ना रहे काका तब कमाई चला जान दो दो तीन तीन साल बीतिया या कोई न करे लेकिन आजकल के दुल्हा ज्योति जैसे परदेश जात हैं तब दुल्हनिया देखी पहले के जमाने में काका हरे जाए माई हरे उनका गुड़ दही खवावे और आजकल के दुल्हन का खवावती है रोटी बोर रोटी बोर के और जे जे खा के चला गए महीने ना बीता घरे पहुंच गए। ए बड़का भैया कहना का बा अरे बहुता जतन माँ कबीता पूस बीता बीता ये तैयारी तब ले अरे ये गर्मी का दिन दूल्हा ठंडी बीत गया कहे ठंडी के महीने में गर्मी आवे गर्मी के महीने में ठंडी आवे तोरे बिना पंखा के बनवावे ये बड़का भैया यार कहे है गर्मी का दिलवा राजा बीते ना बिताले दुल्हा परा दे मास्टर इस पे काउ चाहत रहन जानता है ना तो का कर बे भैया हो समय आज घर पर चलती थी हां ढेर धरे हां काउ दिन हो के घर गए। ए बड़का भैया यार तब कयम में देखा अंतर हो गया वाह वाह पहले के जमाने में का कह रहे जब भोजन करें तो माई मरे बूढ़ी माई हरे हाय 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 बेना ले ले हां कहे हां कहां सैया दुल्हा गुड्डू के बाबू। ए बड़का भैया गुड्डू के बाबू का बैठा तुखार से बेना हाथ दे कुछ हाल चाल हो अब आज काल के दुल्हे बियाहे में पाइए कूलर पंखा बड़का भैया सुनती ना नौकरे आगे बेना वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अरे मांगे चार चक्का मांगत रहे घर में इन्वर्टर ना जी हाथ बा कूलर पंखा पाहे चले रोजी न होत बा आई पलते तौर का निकाल नहीं थे लेकिन का हमरे बूढ़ी माई हरे गांव है जौने समय दादा हरे भोजन करे बैठे तब माई हरे गांव है कहीं बैठा मोरे राम हो डोलाई बड़ा सा बेनिया मोरे राम हो डोलाई ब्रस बनिया आगे का कहा सोने के थारी में जेवाला परोसे जेवाला परोसे हो जेवाला
सब गीत पुरानी वाली है, लेकिन काका आप सब डीजे सुनते ही यहाँ नहीं गाय देखी आए? आजकल डीजे सुनते यहाँ ये बड़का भैया तोहरा रखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा दिले बा तब डीजे मार होत बा ये अखिया झगड़ा करा दिले बाई संजोग आँखो बड़ा निक चीज है भैया नाचा तहा रचे आखिम गाता पारी जहाँ दू जाओ आँख मनमान बस गिर ये बड़का भैया यही बिना चश्मा लगाई चला गाना निकल गया आयल बानी तोहरे गलिया कहाँ बाटू हमर ललिया देखा नहीं का कैसन भैल बहलिया का करे पगलान है अपन घर दुआर देखा ललिया गोरिया के पीछे कहे परेशान है ए बड़का भैया बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भैल बा इतना गाना कवि जी के देर अच्छे हाईलाइट ना भय अच्छे तू तुराव कहीं लेला पुदीना बारे पुदीना नींबू साला गर्मी के महीने में 10 रुपया के खिचा लिया जैसे पुदीना वाला गाना आई की सीजन देखा तो का कर भैया हो जो गाना जहाँ सुट हो जाए अच्छे बुलेट पे जी जा बुलेट पे जी जा काल के सड़वाल बुलटे टहरा दिया हाँ नौटंकिया वाला बताई दिया ये बड़का भैया साजिक लाज देखे गई है बारात में बुलेट पे जी जा हाँ बुलेट बारे जी जब कौनो काम ना रही है बना सड़वाल इनके काम रही थी बा मास्टर भैया देखा मौसम बन गया बाबी रहा कई और सब करे बात हुए बाबा बा। बा। अगर वारिस चला जुले लखिया तो सब आज पैसे न दे आज बाद आए चाहे जी आया हम सब लेबो न करब केवल खा पिए बस आज हाँ अगर तो तो कत चार जने खम बोलाए हैं हम जय मास्टर इनका सब पैसा दे खम बोलाई जनता पैसा दे खमका बोलाए बा हम जनता का लखा तू सब हमका लखा आज चाहे नाराज रहबे चाहे खुशी अगर जे न लखिया तो आज पैसे न मिले हाँ इवन हमारे स्वर्गीय गुरु जी कहन कहन तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बक्का दे हम तू अपन काम किया पता ना तू सब कौर कनी कैसी नजर मिलावा था केवल हमसे मिलावा हम सब से मिला ही ले भाई अगर ज्योति गलत कहीं बताऊ आवा चाल लाइन भूमिका के अंदर में कवि जी का लिखा ही पड़ा धर्म के बड़े भाई श्री मनीष मौर्या जी बड़का भैया जी के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद दाता चुकी बाबू जी के तरफ से हमारे ज्योति उठ के बैठ यहाँ जोड़ता है काकर करो गलती भाई अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ कर दिया है आज बेचारो 6 तारीख से लगातार चालू है भगवान करे 15 एकाध दिन रेस्ट कर लें हाँ नहीं कटे उठे यूं बैठ गया भाई जब एकाध दिन जब लगातार रहा कराइने बताई देकर खाली ना है बीच में सोता ही लिया बा ये रुपये पैसा से क्यों काका घर ना ही आया था साल भर में 12 महीने हो दुनिया जाना था लेकिन एक ने आई यहाँ उनका साल भर में 13 महीने होता के कह हो अभी सोचा जा के कई 13 महीने होते मुकेश अंबानी 13 महीने हो साल भरे में जे जे जियो मोबाइल चार्ज कराओ थो 3 महीने में 90 दिन होता है लेकिन 84 दिन रिचार्ज होता है जाए जोन ले हमको 13 महीने होते हैं क्या कर भैया हो बाबा अब मास्टर भैया 4 लाइन भूमिका के अंदर में कभी लिखे न अरे पिता की वचन माने राम गए बन में सीता लखन जी चले गए बन में अरे सीता हरण हो गया वा जीवन में अरे रामा लखन दुखी भय बिया बन में
अरे सेवक मिले हनुमान वही बल में, बालू वो बंदर मिला ये वही बल। सीता खोजे किए नाश किए लंका, आये अवध खूसी जन जनी में। कहानी की समझाए बड़का भैया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, सुबह राज तिलक हो जात बा, राजब से खो जात बा, मन थरा ये काम ज्योति मन देख एकदम खराब जाए, एकदम खराब हो जाए, जेका देख के खाना न खावा वे दिन भे मंथरा जाए कैके कैसन बीस भर दिन जब ना हो के तवन हो गया। ये भी न लिख पढ़ के पहले न दई गई थी, एकदम किनारे जाए। ए बड़का भैया, आज राम अपने कैकेयी उनकजोन की सौतेली महतारी रहे, उनकर बात मान के 14 वर्ष वनवास गए। वनवास केवल राम कहा जकरे साथे सीता जी लक्ष्मण जी चला गए। धर्म के बड़े भाई दीपुर लाइट हाउस सफीपुर चादा सुल्तानपुर, शादी विवाह व अन्य किसी शुभ अवसर पर लाइट की बुकिंग हेतु संपर्क करें। बाबा राधे राधे, राधे राधे टेंट हाउस। हाय हाय बा भैया, राधे राधे टेंट हाउस। भैया खिया वीआईपी कुर्सी सब आप लागू हुए, देख ले जाए टेंट हेरे अपना मिले। हाँ भैया, भैया जी के तरफ से 100 रुपया के आशीर्वाद वाली सुखी रखे बड़का भैया, सब सुखी रहा है। 190 वाले जय सीताराम, जय सीताराम। ए बड़का भैया यार, 190 लहुम खुद सीताराम आ गया। विजयी भैया हमारे खिया सीताराम अब की आ गया, हमका सब खेरक ना आए हमारे कंत सिया राम आया। कहना का बा, आज राम अपने सौतेली माई के बात मान के चला गए बन का। सीता खरण हो गया, लंका का राजा रावण हर के लग गया। हनुमान जी पता लगा क्या बाबू जी रावण के मार के राम अपने अयोध्या नगरी में आये। बाबा तब से हिंदुस्तान में दीपावली मनावा जाए लग, दीपावली मनावा जाए लग बड़का भैया। राजा राम बन गए, सौतेली बात सौतेली माई के बात मान के राम चला गए बन का। अब आजकल के माई बाप जानती है ज्योति रहते यहाँ, लंका ब्याह कई दे कमाई जाए कि ना ही घरे बैठे हाँ। इच्छा तो बैठा ती मेहरी चिकन पा हरे मोर भैया हो। आजकल के मनसे दू अपने माई बाप को बात ना सोचा तहा कौनो गर्ज होए, कर्जा भाठाई बा खाए भाठाई बा बियाह जाई कमाई जाता हूँ वहां बताए तो एक महीने में चला आवा था। इतना तो काका सिस्टम हो गया बा, वो मगन कब रही है जब दुल्हन के साथे लिया चला जाइ है तब। लेकिन यह कभी जी लिखे का एक लाइन तर्ज भाई, ई हमरे स्वर्गीय गुरु श्री राम कैलाश यादव जी गाँव है। तो एक बात मोरी सजनी, सुने वाले बड़का भैया, तो एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में। कौनो भूल ना आई काका, बिना मोल के बिकी जाइबू साथी पुर बजरिया। सुने वाले बड़का भैया हो, भाव में कवि जी का लिखा ही पड़ा। एक दिन श्री राम जी बोले,
एक दिन श्री राम जी बोले सीता जी के हो सुना समाना दान पिता ककराने की बाबा दान पिता ककराने की मोरा लागल बचिता कहे पिंडा दान पिता के करने की लागल बस सीता मनवा कहे हमार प्रभु हमार भगवान हमार पिता श्री दशरथ महाराज आज हमार बाबू दुनिया छोड़ के चला गए हमारे वियोग में राम राम उनकर हमार नाम जपत दुनिया छोड़ के चला गए एक पुत्र के कर्तव्य बनत है उनकर उद्धार करे ए बड़का भैया राम तैयारी करत है जाय के फाल्गो नदी में अपने बाबू दशरथ महाराज के पिंडा दान करे जाता है तो कहानी के शुरुआत यहीं से बाबल का सुनिए सुनाओ श्री राम की कहानी है सुनिए सुनाओ श्री राम की कहानी है करने को पिंडा दान ले मुझसे निकली पाए ए बड़का भैया राम तैयार हुई है जकरे साथे सीता जी दोनों प्राणी अयोध्या के लोग रथ सज गया सब जने बैठ के भैया घोड़ा हाथी के साथे चल दे चला गए फाल्गो नदी के किनारे पहुंचे रात होत गया सब वही विश्राम करत हाथी टेरी में कहना बा बड़का भैया अरे बया नवा सीता राम कई सुना अरे रामा 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 यार मोरे रामा बया नवा सीता राम कई सुना पिंडा दान करई का ना हो पिंडा पिंडा दान करे कल चले हैं दोनों जनवा बयानवा सीता राम कै सुना राम कै सुना भाई ये बड़का भैया शाम के टाइम पहुंचन सब जने विश्राम के हैं पंडक लगे संदेश चला गया गौ माता कहन बस सवेरे कल चला बया फाल्गो नदी एकदम प्रसन्नी है कि प्रभु आइए अवतार लेके आए हैं अमर नदी में नहा लिये हमारा तरंतार हो जाए ये बड़का भैया या सब एकदम मगन हा पंडित एकदम मगन है कहे ना अयोध्या के राजा या यहाँ आज नेक चार मिली कहे ना आज नेक चार करे रे मिली सब एकदम मगन है जब उन किस्मत में लिखा बा वो होय केतनो धन हो गया है
बड़का भैया कर्म लिखा बा मिले हुए फाई फाई करा काका कितना फाई फाई करा कुछ मिले मिलावे जवन लिखा बा कर्म में काका वही हुए ये भी ना कहना का बा एक लाइन तर्ज बा भतोक मारा बारिश ना होत रही यह बात भी दिए देखे बारिश चालू बरसाई दे तेरा से भैया हो यह भतवा बीते देखा जवन बारिश होए पूछा जी बहुत गर्मी बढ़ गया एक लाइन तर्जबा ए बड़का भैया फैजाबादी गीतिया एक तारो बानो जी गाँव जे आगे बढ़ा तुमका आगे बढ़ना देते अगर पड़ोसी 25,000 कमात बा का कहीं ने सोची है 15,000 कमाई कहाँ से कमात बा ओका पहले हटवाई हुआ से तब आगे बताई इनाई 25 कमात बा हम 20-15 कमाई या 35 कमाई का एक ना सोचिए सिर्फ नाश करे मिला गहा आजकल का मलाई पड़ोसी के सुख देख के हरे आना है आए पड़ोसी के सुख देख के अपना दुख वहाँ एक सब छोड़ दे भैया बा लख 84 बाद मनई के तन मिला बा एक उपयोग कर लिया और एक बहुत सुखवारो जिन बनवा कूलर एसी में बाबा आए ना तो धान उनके लगाए देखा था जो पंखा लाग बा पानी फेंकत बा तब के जमाने में बेनंस काम चलाई ले काका का कर बा ई फैजाबादी तर्जिया एकटा तारो बानो जिगान जो कि बाबू आज दुनिया में नहीं बाटे आए कौनो लड़की की शादी भाई ससुरे से नैहरे चली आए ज्योति तो का करबू परंपरा होई गे बा आए शादी बियाह है शादी बियाह है वाला श्री राधे राधे टेंट हाउस बड़का भैया जी के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद वाली सुखी रखा है कहो मान ले हमारे बियाह हम चले खुद करे रे ले आधा ही काम आधा में लाइले है फ्री में तब तो चार भी रिहा कर दूठी तोहरे नाम पे कही दे दूठी ज्योति के नाम पे कही दे हाँ ये सब अपन भारत जाए भैया 101 रुपया के आशीर्वाद माली सुखी रखे बड़का भैया का कर बे शादी बियाह वाला तो काका परंपरा आता है न तो हमारे बियाह भवा न ज्योति भवा एक दिन ज्योति खोए एक दिन का कर बे जे का जोने दिन जोड़ा बैठे ए बड़का भैया उदलोनिया जब ससुरे से आई नैहरे में पहुंची सखी हरे हाल चाल पूछी दीदी सखी बहनी ससुरे में कैसे बीती कहे चुप रहा ससुरे का नाम जिन लिया कहे जैसे कदम ना रखे भारी हटाने लग कहे जैसे ससुरे में कदम ना रखे वैसे बगवाल हो गया कौन बगवाल भा अरे हाथी में मेहंदी मांग से दूर अरे हाथी में मेहंदी मांग से दूर बर्बाद का जरावा हो गई कहे बारे बलम परदे सवा में नहीं कहे आत्म में दिमाग से दूर ये बिना छोड़ दे देखी तू सब साथ है यहाँ कई दिन का पकड़ पावत है दुनिया दूसरे कमी देखा था हम कहे अपने के कमी देखी है बड़का भैया अरे हाथ में दिमाग से दूर अरे बर्बाद का जरवा हो गया अरे परे पलम परत सवा में छाए परे पलम परत सवा में छाए उला जन्म में सबे हो गया उला जन्म में सबे कहे पहली बार हम गईली गावनवा मोर सासू से झगड़ा हो गईला बारे भैया आजकल के बियाह गजब होता है तो इनो सुरेश भैया हमारे बताए थे कि बियाह वाले अगुआ की पूजा करा थी बिना अगुआ का आजकल पूजा ना होत बड़का भैया हो
ए बड़का भाई आया ई तो पुरान रहन जवन समाज में गावे ला एक रहन है, लेकिन आजकल के सिस्टम देखा था जहाँ देवी देवता बाटे लोग दर्शन करे जाते जवन जवन पंदा बैठा उनका हाल सुन ले जवन पंदा बैठा हाँ दिन में हरे हरे रात की घरे घरे पांच हाथे चंदन पोत ले है उनसी बड़ा भगत काका है दुनिया में उनका कारतूस सुना वो करा थे कहा अरे हाथ में डंडा मुंह में अंडा डंडा ले यहाँ राम राम हरे राम संझा सवेरे अंडा मुर्गा दारू सब चलत बा अरे हाथी में डंडा मुंह में अंडा बर्बादा लावंडा हो गई हाथ में डंडा मुंह में अंडा काहे बर्बाद लवंडा हो गए ए भैया कहना का बागे अरे माथे तिलक का गले तुलसी के श्री शिवांग मौर्या बड़का बाबू जो चरो धाम के दर्शन कई के आए श्री राम कृपाल मौर्या जी के नाती जी के तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद मालिक सुखी रखे बड़का भैया पढ़ा लिखा आगे बढ़ा सब पढ़े सब बढ़े केहू पीछे जिन रहा बड़का भैया माथे तिलक का गले तुलसी के माला माथे तिलक का जले तुलसी के माला जैसे काशी के पंडा माथे तिलक गले तुलसी के माला जैसे काशी के पंडा हो गए बताओ जे भक्ति करत हां जब हम कई लीला ई बे बाबा बड़का भैया हो लेकिन भाव में कवि जी का लिखे का पड़ा मर्यादन श्री रामचंद्र जी सब जब सुबह हो गया बड़का भैया सीता का जो धक लोग का सब पंडा वंडा गऊ माता सब आई गई राम कहें जाई बाजार से फल फूल सामान ले आई तब अपने बाबूजी के पिंडा दान करी ए बड़का भैया यार राम चला जाते हैं बाजार तब होत का बा का अरे सीता के रोग के वजी सुना अरे सीता के रोग के वजी सुना श्री रामा बजरिया दाजे है छोटा भाई प्रतीक मौर्या जो कि हमारे बाबूजी श्री राम कृपाल मौर्या जी के नाते जी के तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद गोर छुके पल गई बया नातिन दे तहां पे बेटवन को पता ना आई बया सब भंडारा में हां रमेश भैया पता ना कहां बाटे हां ये बड़का भैया जे बोलाए बहुत पता हो जाए कहां बाटे ये बड़का भैया कहना का बात अरे सीता के रोग के वशी सुना अरे श्री राम बजरिया धागे है अरे मेवा मिठाले फल फूल लिए मेवा मिठाले फल फूल लिए देखावा पसया भी नहीं आए है देखावा पसया भी नहीं फल फूल बाबू जी सामान बढ़िया बढ़िया लेते हैं बाबा आवे में देर होत बा तब फल्गो नदी किनारे होत का बा अरे श्री रामचंद्र लाही है वहाँ पर अरे तब दशरथ जी प्रगट भइले है अरे सीता से बोले
अरे सीता से बोले है बेटी, अरे मुझे भूखे जो रसा ताए है। राम चला गए बजारे सामान लावे, अब हम लेट हो गया। वही समय स्वर्गीय दशरथ महाराज प्रगट भए फाल्गो नदी के पास, कहन सीता हाय हाय ए बिटिया सीता का? सीता लखन लागिन कि हमरे तो बाबूजी प्रगट भए। वही समय हाथ जोड़ के कहन कि पिताजी आप बैठे, स्वामी जी कहा बाजार बाजार सामान लेके अइहे, आपके पिंडा दान। राजा दशरथ महाराज कहें जब से तू सब वनवास गया तब से लखत 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 15 साल 7 महीना बीत गया। कहा हमारे भूख बर्दाश्त बा, हमका जल्दी से ये कुछ दिन करा, हमका ना चाहिए साथी बालू पंडा बने के हमारे नाम सौंप दिया। जान ले हो ये पिंडा दान, जरूरी ना है फल फूल आवे तब पिंडा दान बढ़िया से हो। राजा दशरथ महाराज जी दिया धर्म के बड़े भाई उमेश मौर्या जी है, बड़का भैया जी के तरफ से 201 रुपया के आशीर्वाद गोर छू के पलगी बा, पूरा घर परिवार सुखी रहे, माता रानी भंडार भरे। ए बड़का भैया सीता जी बालू के पंडा बनाई के राजा दशरथ महाराज के नाम सौंप दीन। राजा दशरथ महाराज खाए पी के अंतर ध्यान हो गए। श्री संतराम मौर्या भैया जी के तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद, मालिक सुखी रखे बड़का भैया, सब भैया सुखी रहे। कहना का बा का? राम जब एक कप लदाए के पूरा सामान फल फूल सब कुछ आ गया, आइए फलगो नदी के पास बाबा। वही समय सीता जी कहें स्वामी आए हाय, ए स्वामी कहा हमारे की बात सुना, का बताते निकला तजबा बड़का भैया। हमारे माई बहन लोग गाँव है, घर मालिक महोदय धर्म के बड़े भाई श्री रामेश मौर्या जी, बड़का भैया जी के तरफ से 500 रुपया के आशीर्वाद गोर छू के पलगी बा, पूरा घर परिवार सुखी रहे, बाबूजी सब बड़का भैया सुखी रहे। जे चार धाम दर्शन कई के आवत थे जगन्नाथ स्वामी के भंडारा दे थे, हमारे काका हरे बताए नावे वाली 7 पीढ़ी जवन 7 पीढ़ी बीत के बाद उनके तरन तार हो जात है। ए बड़का भैया एक लाइन तर्जबा एक हमारे माई बहन लोग गावत थे, कहा गेहूं आके बाले लई गया सुगना बलम मोरे पूरी कतर सई। आजकल जब से विज्ञान आ गया तब से देखा पैदावार ज्यादा हो गया, श्री अवधेश मुंशी राम गांधी ईटा वाले भैया आवत वही वही आई 51 रुपया के आशीर्वाद माली चुकी रखे बड़का भैया, गेहुआ कबाल लैया सुगना बलम मोर पूरी कतर से। एक दुल्हन कहा जब शादी ब्याह हो गया पतन कनिका एक हमार संगे बोलब नहीं करते, आजकल यो हो गया भैया कहे नदिया किनारे हवा डोलई हमार पिया हमसे ना बोलई। कहे नदिया किनारे हवा डोलाई हमार पिया हमसे न बोलाई, कहे कितना रात दिन बोलाई बोलता ही नहीं हाँ। लेकिन भाव में कहना का बा बड़का भैया, अरे सीता जी बोलाई बायनवा, अरे सीता जी बोलाई बायनवा सुना स्वामी दई के धियनवा। कहा स्वामी जब आप बाजार चला गए थी का भाई आपको मालूम न हो, कहन का सीता जल्दी बतावा बाबा। कहा अरे आप बजारी आ का, अरे जब बच्चा लगाइले आपके पिताजी प्रकट भइले। बोले हमके करावा भोजन,
बोले हमके करावा भोजनवा सुना स्वामी दई के जियनवा कहा आप बजरिया का जब चला गईले आपके पिताजी प्रगट भइले कहन बोले हमके करावा भोजनवा कहे बिटिया जल्दी भोजन करा दे तू बालू के साथ पिंडा बना के जान ले हम तरिए कहन स्वामी जी आपके पिताजी के बैठाए वह बालू पिंडा बनाई के बाबा रानू यादव जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए क्या और बिया के आशीर्वाद माली सुखी रखे बड़का भैया हमका लागत तबे निकलता ही बिया हाँ बड़का भैया हो कहना का बा अरे नैकी पुरान की कौनो मिले कमो कमो काका उतना ही करे जब नैकी काम करे वे पुरान की करे ये भी ना कहा गा बा जग में तुलसी दो बड़े एक पैसा एक राम कहा राम राम से मुक्ति मिले पैसा से सब काम बड़का भैया पैसा चाहिए जवन हो सफीजन सामान गंधा दे पैसा कतो रहे ज्यादा माया बा सबका बल्कि उतना माया मेहरारू सुना हो लड़किया बच्चा सुना हो लेकिन ऐसी ज्यादा माया बा एक नमोय माया बा भैया माया कहना का बा कहाँ आदर सत्कार करके बैठाए बालू के साथ पिंडा बनाए उनके नाम सौब दे है वो खाए पी के देखा है बालू चितराई के कहाँ सीता तोहका गजब मजाक सूझा कहाँ या जो दस चला जाए तो सिर आय ले है बाजार गए इतना देर सामान खरीदत खरीदत मूल पिराई ले एक कल प्लाज के सामान पूरा लेके चला जाए अब भाई कहीं तो पिंडा दाल कही दू कहा के देखी सी कहन तो नहीं देखे हमका नहीं मालूम बा राम पूछत हन तक लाइन तब जबा के हमरे स्वर्गीय गुरु श्री राम कला यादव जी गाँव है कौनो ननद अपने भौजाई से कह दिया और बेचारी ननद और कैसी बताऊबे कर ज्योति और कैसी बताई है कहना का बा कहा भौजी हमारे उम्र समौरू की तनी सखी सहेली रही सब कई बिया हो गया सब के एक दो दूठ लड़किया हो गया कहे भौजी हमार बियाह कहिया हो कहे रतियम जब होना डोला है तो मना आगे पीछे होत है सो एक पैसा दे यही कहना का बा अरे साला ला रतिया डोले अरे साला ला रतिया डोले बाहर जब पावला हो ये गुरु जी पैम पैम लगा कुछ आरियो दान दक्षिणा हाँ। गुरु जी ये पैंपिया लगवा खमरे और यह सुन गया जय सिंह मौर्य गुरु जी अरे हाँ। कुछ आरियो दान दक्षिणा कह दिया बहुत कम आए है हाँ। हाँ? आवा जल्दी कहना का बा साला ला ला रतिया डोले बाहर जब पावनवा हो दाईद मुर्गा वाला और हमारे गुरु जी श्री जय सिंह कुमार मौर्य जी चंद्रभान देवी सेवक महाविद्यालय प्रतापपुर कमैचा चादा सुल्तानपुर गुरु जी के तरफ से 200 रुपया के आशीर्वाद गोर छू के पहले की आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा बड़े बाबू आज नहीं आए गुरु जी काम में बुलाए कि नहीं बुलाए
बोलाए हुई है या हम लेट हो गए हुई है जानता है आज चलो आई बे आई बे सब दिन देह बजा जरूर ले ए बड़का भैया कहा भौजी हो हमका सोना चांदी रुपया पैसा राधे राधे टेंट हाउस लाइट हाउस कहा ये का सपना कारक परे कहा दुई समान दई दे खर्चा बच गया का कहा ना जी चाची सोला चांदी ना चाची हमके चाहिए चौका यौ बेलानावा हो ये चौका बेलाना दई दू ताकि जहाँ जाए कोनो मुसीबत बने कम से कम दुई दुई कौर बनाई के खाई ले सोना चांदी एडबेट लाइक काम करा गर्मी वैसे यहाँ में तरह भी हमारे बड़का भैया हो लेकिन भाव में आज पूछत कहन भगवान राम सीता जी से बाबा बारे नागिन डांस अरे प्रभु श्री रावि बोले अरे प्रभु श्री रावि बोले सिया के सामनावा हो सीता सीता कैया वाला हो और तेज मारे तब पैसा देव ना आज पैसा वैसे बहुत ढेर आज मिलो बात ये बड़का भैया यार जब मिलाहत कर दे तब दे अकेले हम अपना काका परेशान है ये सब ठीक है कहना का बात सीता जी कहें प्रभु परेशान दिन हुआ हमारे पास बहुत गवाही बाटे बहुत जले बाटे आप उपरांत सम्मानित जनजल में सम्मान पाने वाले श्री सुरेश मौर्या जी चाचा जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए 101 रुपया के आशीर्वाद दाता सुखी रखे बड़का भैया अगर ज्योति हम पावत है अब तुम पाऊगू परेशान जी न हो हाँ ना ही सोचा अकेले दही लेता हाँ। अगर ना पाऊ तो काम आधा दही दे लेकिन जब जागत रहू तब काका कहना का बा कहना का बा सीता जी बोली अरे प्रभु श्री राम बोले कवन ये चलो गवाह सीता जी कहीं स्वामी जी हमारे पास बहुत गवाही बाटे सफीपुर की पावन धरती से धर्म के बड़े भाई श्री विनोद यादव भैया जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए क्या और पिया के आशीर्वाद मालिक सुखी रखे बड़का भैया सब सुखी रहा
पानी लेता हूँ भैया, गर्मी का महीना है जानता है। लहुरी मास्टर है मेरे, प्यास मारा देखा ओला रिके। ए बड़का भैया यार, प्यास मारा रहा इस नाई पे, उठिया मगा यही भैया। तबले गुड़खा कौन पानी पिए बताए, कौन पानी पिए रंगीन की सादा, अब एकत मास्टर ही बताई सका थे। ए बड़का भैया, सीता जी कहीं स्वामी जी परेशान जी, वहाँ हमारे पास गवाही बाटे, देखा कहा तेन से पूछवा दे बाप के पिताजी प्रगट भय। नहीं लहुरी बताई दे, नहीं विजय सुरेश के, नहीं चार जने के बताई दे, इनका चार जने के ना कहा कहे के सब कभो कभो आवत, हमें रोज वाले यहाँ रोज देखा था। ए बड़का भैया, सीता जी कहें स्वामी जी हमारे पास चार चार गवाही बाटे, कहें जरूरत पड़े और बताया, अभी मौके चार जले यहाँ। टेक लाइन मास्टर साहब तर्ज बस, सीता जी बतावत का बाटे। सब के जमाने में अगर का कह रहे जहाँ दिलोहिन देख के चलाया, मैं ब्याह से ठो जात रहा। लड़किया कभो न कहा खमा मेहर सामर ब्याह की गोर ब्याह की पातर ब्याह है की मोट ब्याह, का कह रहे देख के चलाया मैं ब्याह हो जात रहा। अब ब्याह हो कहा जात रहा, आवाज कारण जान ले। सब के जमाने में लड़किया कतो मछली में आ रहा था, कतो केहू का इमाम तोड़ा था, उठाए के लावे ढाई तीन साल कर रहा है, उठाए के दिखाई दे तो का जान ले। हाँ लड़किया दिखाई दे, ये लड़की में शादी ब्याह हो जात रहा, वह गौना जवन बा 11 साल बाद नहु कह रहा, अपन वाली बतावत हूँ 15-16 बाद 11 साल बाद जैसे बैठ जात रहा लेकिन तब आवत रहे। अब आजकल का सिस्टम का पहले लड़किया लड़की राजी हो जाए, दोनों जने कुछ दिन बतला ले आपस में समझ ले, तब कतो दिन बार रखा जात बा, इतना तो सिस्टम हो जे बा। लड़कियाबा कहा काका हो, सब जमाने में बाबू हमारे ब्याह कर दिया, बाबू हमार गोर है ना हमार करिया रहे, हम देखा अमक पर हमार बड़ी बेइज्जती होती है, कहा बिना की हम जब ब्याह करा तो अपने मन से करा, हमका दुल्हन कैसे चाहिए, नए मॉडल वाली, नए मॉडल वाली चाहिए, जोन बिना ब्याह हो के उठलाली लगाई ले, क्रीम लगाई ले, पाउडर लगाई ले, तब कभी जी लिखे बाटू अब मर गया के छोट गोरिया, कहे रंगले बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया, का करबे फैशन आए बड़का भैया। उहे तर्जबा सीता जी आज चार गवाही बतावत हैं के का भगवान राम के सामने, बाबूजी आवत हां सुन ले दुया खर। आप जाके बाबूजी बैठे हैं, आप चले बैठे बस तुरंत गाय याद बा, हाँ हाँ गाय याद तुरंत कहे बाबू जी संपाता है एकदम गर्मी है का बस एकदम टैटे ही काकावा, बस गाय याद बैठे आप कहो लड़किया बच्चा गावा तहा 10-20 सुनाई दे के रोबे तनी बड़ी देखावा तहा, आए 40-50 आरियो दोनों जने दाई दिया रोबे तनी बड़ी देखावा तहा 10-20 रुपया ना निकलत भी है। अब ये मास्टर भैया कहना का बा, आया है ये मनोरंजन ले कि आया है किया है, पता ना का गान चला गए नवर चुदा हसाई ने आई बड़ा जान ले कठिन है भैया कहना का बा, दादा जब महावीरन जाए तब देखा कहना बा लड़कवा कहत बा, दिनेश यादव भैया सफीपुर की पावन धरती से 51 रुपया के आशीर्वाद काका, गोर छुके पलगी बा पूरा घर परिवार सुखी रहा है, काको हमारे सुखी रहा कहना का बा, हे हम का दू लसी नचाही, अरे हम का दू लसी नचाही, अगर रे जी सताई इसी भाव में कहना बा, अरे सीता खड़ी सामने, वो सीता खड़ी सामने बोली बात बिचारी बाबूजी, सीता खड़ी सामने
कहा स्वामी जी उनकर सब का नाम सुना बतावत का बाटी है। पहला तो है नदी फालगो, दूसरा पंडा भाई, तीसरा ये है अवध निवासी, चौथा गाऊ माई, सब ही खड़े सामने, सब ही खड़े सामने बोले बात बिचारी बा, सब ही खड़े सामने बोले बात बिचारी बा, सब ही खड़े सामने बोले बात बिचारी बा। पहला गवाही नदी फाल्गो, दूसर पंडा है, तीसरा अयोध्यावासी, चौथा गऊ माता। काहे चार्ज ने स्वामी जी गवाही बाटन जाए को सरी परसा पूछ गया वा कि आपके पिताजी हिया प्रगट भन उनका हम पिंडल दान कीर किनाई कीन। श्री राम जी पूछे लागे बाबा बताओ भैया हमारे पिताजी प्रगट भैन, चारों जने झूठ बोल देन कहन प्रगट ना भैन, कहन सीता जी झूठ बोलत हिया है, सीता जी झूठ बोलत हिया है। सुने वाले बड़का भैया वही समय सीता जी एकदम क्रोध में आई गई, एकदम जब क्रोध में आई जे क्रोध में आवत कुछ राहत गड़बड़ देखो चाल बताई दे हम जान ले कौन भूकंप आवे वाला बा, पापट में कहना बा भाव बना के अरे सीता मैया क्रोधावासी लाल भैली भैया हो, अरे सीता मैया क्रोधावासी लाल भैली भैया हो, चुट के चारों चल गई बात बेहाल भैली भैया हो, नदी फाल्गो पंडा गऊ और अवध के लोगी, श्री हरि राम यादव सभीपुर की पावन धरती से बाबूजी के 51 रुपया के आशीर्वाद मालिक सुखी रखे बड़का भैया, काका देखा था जवन मोछ रखा है यहाँ, ये सब मर्द है, पहले चलत रहन मोछ रखा हुआ, अब तो साफ करा हुआ चालू बा, अगर एक कुल बता दिया तो मारो जा बिना हाथ जोड़ते भैया नाई क्या कहने फिर चला है, अगर सही बोला तो खराब लगबा ही करा था कहना का बा, अरे नदी फाल्गो पंडा गऊ अवध के लोगी, अरे सब ही के देखा ये भैया गजब रहल संजोगी, ये कैसा थे सब के बुरा हाल भैल भैया हो, सुन के चारों चल कई बात बेहाल भैल, अरे जिया बुलाओ जिया, आज सीता जी जो उस समय क्रोध में आई है चारों जन एक श्राप सुनावत है, श्राप का सुनावत है नाला में कहना बा, भाव जब बन गया दूसरा आला लग जाता, अरे मोरे राम ये रतिया का शोभा, अरे रतिया का शोभा होला, अरे चांदी उतरैया बाबू दिलावा का शोभा हो दीवा कर कैया जो, नारी के शोभा होला, नारी के शोभा लिखे गोस्वामी जी मान
सीता जी पहले श्राप के का सुनावत हैं बड़का भैया ध्यान दे बाबा पहला श्राप सीता पाली गोला जी का दियाली सुखी जाए पाली तोरा हो जाए पियो पहला श्राप सीता जी ये बड़का भैया फाल्गो नदी के दिन फाल्गो नदी सोचिन की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवतार लेके आए यहाँ त्रेता युग में अगर हमारे नदीवा में नहाय लेंगे तो हमारा तरन तार हो जाए अगर सच्चाई बता दे तो बाबू जी नहाइये न वैसे चला जाये है ये बड़का भैया लालच में आए कि झूठ बोले सीता जी कहीं तो का बड़ा गुमान बा अपने जल पे नहाय के चक्कर में झूठ बोलू आप सम्मानित जनजन में सम्मान पाने वाले बाबा धर्म के बड़े भाई दियावा की पावन धरती से श्री पवन यादव दियावा सुल्तानपुर रेलवे गार्ड भैया जी के तरफ से बाबा इस भाव को समझते हुए 101 रुपया के आशीर्वाद वाली सुखी रखे बड़का भैया भगवान करे खूब हरियर झंडी देखा बा यूं देखा हरियर लाल बा ये दुएट देख तो हो गया ए बड़का भैया कहना का बा कहा तू जल के लालच में आए कि झूठ बोलू जा तो का शराब दे तही पूरे नदी में पानी रहे लेकिन ये फाल्गो नदी में पानी न रहे आज बाबूजी सीता जी के श्राप सही हो गया जे पिंड दान करावे जाते हैं जब बालू हटावत हैं तब पानी पावत हैं जाए वाले बाबूजी बतावत हैं हुआ सब रेगिस्तान है देखा कहो मास्टर बलुए देखा है जब जब बालू हटावत हैं तब जल पावत हैं दूसरा श्राप के का धीन अखंड प्रताप यादव भैया जी के तरफ से जैसे नाम भैया बड़ा हो वैसे काम के हाथ जोड़ता है सफीपुर की पावन सर जमीन से 51 रुपया के आशीर्वाद माली सुखी रखे बड़का भैया दूसरा सारा पचीता दूसरा सारा पचीता पंडा के तई हो दियाली मनई वाला लागा राले साबा की नागो पंडा जी लालच में झूठ बोल दे अयोध्या के राजा आए यहाँ याजेद करेरे माल मिले मांगे पे अगर सच्चाई बताई दे तो कुछ न मिले दान दक्षिणा वैसे चला जाई है बाबा सुने वाले बड़का भैया सीता जी कहीं तो का बड़ा लालच बा तो का ढेर चाही जा तो का हम शराब दे तही आवे वाली तहार पीढ़ी आल औलाद कई ठिया चढ़ाई दिया 51 ठिया चढ़ाई दिया 101 हारी दे दिया बड़का भैया कहीं जा तो का आदमी कितना दे दे तू सब सुखी कब हो सुखी बहुत हाँ लेकिन का कर भाई सीता जी श्राप हम करे मुहे से निकला जात बा बड़का भैया अब भाई बिंधा जल में चला जा का रोक दे हनाई बता को करी थी सुरेश भैया बिंधा जल में चला जा अगर दे दिया पैसा देखा 1000 दे दे तो कॉलेज चली अंदर वो दर्शन करा आई बाबा न देबे हुई बरोब जल्दी निकला निकला जल्दी हियां से का करबे भैया हो ई सीता जी के श्राप या एका बाबूजी केहू नाराज नहीं होया हाथ जोड़ के क्षमा मांगा तही इतिहास के पन्ना में नाम लिखा बाई बाबा इतिहास में लिखा बा वेदों में भेद नहीं वेदों में भेद नहीं विद्वानों में जहाँ सुर का किरण नहीं पहुँचता वहाँ कभी कान भो पहुँचता है ए बड़का भैया कभी जी का छान बीन के लिखे आज सीता जी श्राप के कलयुग में एकदम सही दिखात बा बाबा और तीसरा श्राप के का दिन अरे तीसरा श्राप सीता आवा देली वासी के दियाली सुखी लाही राधे आयब यावत के सुना तीसरा श्राप काका अयोध्या वाले का दे दी अयोध्या वाले का
अब काका का नाम लग जाए ए बड़का भैया या अयोध्या वाले कहीं तो कल आज खान कब राजा दशरथ महाराज पिताजी प्रकट भय तू सब कौन लालच में बोल दे अयोध्या वाले कहीं सोचा की इनकर बेटवा है अगर ये पिंडा दान दे दी है तो ज्यादा थरिया है अगर सच्चाई बता दे जैसे आई वैसे चला जा कहाँ जाकर तो सबको शराब देते ही पूरा संसार दुनिया सुखी रहे लेकिन अयोध्या वाले सुखी ना आज देख ल काका एकदम सही बात है चाहे कतो पीएससी पर चाहे जिल पर लेकिन अयोध्या में पीएससी वो जब से नरेंद्र मोदी जी आए और तेज हो बाबा योगी जी आए तब से पीएससी और तेज हो गया कहे मंदिर क्या बना दी गया देखा कब बना भैया विश्व के सबसे बड़ी मंदिर बने हमका दूठ 50 दे दे का हमका दे दे ज्योति को धरे रे भैया कुछ हाँ हाँ हमें लगा भेज दे भाई काका कहीं फिर नाम ले लिया ए बड़का भैया चौथा शराब के का देता है अरे चौथा शराब सीता कई के दई हो दी कहीं तो का माता के स्थान दैया गौ माता कहिया सुने वाले बड़का भैया बात गौर देहा बात जहाँ लगाउबिया हुई लाग गया काका हरदी जहाँ लगाउबिया हुई लागत है एक तो ज्यादा खुशी रहत है तब हरदी लागत है हाय हाय यत खतो के मारे पीटे रहत तब ला हाय यत खुशी में यत जब प्रयास तब हाय खुशी मतलब जब बियाह में देखा हरदी लगाई जात है हाँ जब दुखी जात है केहू मारे पीटे रहा है तब मजा आवत लगावे तो हरदी जहाँ लगा गया वही लागे बड़का भैया हो कहीं तो का माता के स्थान दैया तू लालच में आई कि झूठ बोल दी हूँ गौ माता सोचिन सेब संतरा आ गया वह पोखलिया खाद खाद जीव भी आई आज अच्छे मटेरियल खाई ले सामान देखते ही लोग मन बदल गया एक बात का कई समझ में आया आवत जब गौ माता अपन सब एक माता यहीन तो साढ़ देवता का वहन अब ओका तुहिन बता सका थे ए बड़का भैया या तुम तो कई पूजा केहू ना करता हाँ भाई ज्योति जी बताई कि बाबू को माई के वंदना हो बाबू को खूब जरूरी भी लेकिन यहाँ बाबू वाली ना हो करता ये भी ने आज हम करबो ना ए बड़का भैया या कहा जा तो श्राप देते ही कलयुग में ऐसे टहरबो घूमबू तो का मार मार सब खदेरत रही है आवाज सही देखा बबड़ का भैया यारियत कम हा हमारे वरियत जान ले बेरन ना बचे पावत हा एक ही पता ना कनी कौन करंट आवे पुट 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 दगा था गवर्नमेंट केहू टच करत है लाइट वाला सिस्टम है पुट पुट करत है तो का करबे सीता जी के श्राप पे कलयुग में एकदम सही है भैया बाबा तो अंतिम में कहना बा का आज सुन ले दुनिया संसार में कौन चीज न मिले बड़का भैया न तो पुराना वाला सिस्टम मिले पहले के जमाने में जब काका हरे चला जाए थवन आने पड़ोसी अपन खटिया दे देते रहा आज काल तो गाँव भर में दुश्मनी हो याद बा खटिया के कहा दे के क्यों दुआरे ना झाका तहा वो राधे राधे टेंट भैया के माया बाटे नहीं लगे चला जा तो का बाबरची लाइट साउंड सर्विस सब व्यवस्था हो गया जयमाल गुब्बारा बड़कवा हाथी छोटकवा हाथी जोर मन कहे फुलवा के लगवा ले है ये बड़का भैया पंधारी दादा बताए दुनिया संसार में चीज ना मिले का बताए अरे ये बना मिली ये भैया ये बना मिली ये बाबू वा बना मिली नीलुआ कई तारा कारी बना मिली बस 5 मिनट भैया एकदम किनारे पहुंचे यही दो लाइन का रहा है कहें ननुआ का तरकारी अपना मिली आजकल देखा था काका छान बड़े देसी मिलता ना बा हाइब्रिड वा एक एक डेढ़ डेढ़ हाथ एक तैयार मिलता है देसी वाला सिस्टम ही खत्म हो गया हमारे स्वर्गीय गुरु श्री राम कैलाश यादव जी बताए कहे अरे अपना मिली ये भैया अपना मिली ये बाबू अपना मिली देसी घी एक कैसो
रुचि घीये के सोहारी अबना मिली। तब के जमाने में पूरी खाई जाता है घीये के डाल दा आइया डाल दो धीरे धीरे खसक ली रिफाइंड आई गया। अभी है रिफाइंड की पूरी का रे खा आप सब तो खा लिया हमका सब ये डाल दे खाए के रह गया बा। अंतिम में कहना बा एक बार ज्योति जी के नंबर अरे सीता जी कैसा पवा अरे सुना का परी कल युग में भैया राजा सही उतर सीता जी के श्रपवा सुनावे का परी देखा कलयुग में भैया आज सही उतरी। अरे लालचिए झूठ से अरे होए न भलाई अरे मान सम्मान घटे हो ये हसाई अरे सदर झंडा सत कई देखा लहरे दुनिया सगरी। सीता जी के श्रपवा सुनावे का परी ए बड़का भैया या आज सीता जी के श्राप एकदम सही हो गया। गुरु घराने के परचम कहना बा राम हित गुरु सीता राम बसे स्वर्ग लोग बैरागी कथन करे कभी भारत दान बहादुर हम पे बा बलिहारी बयनवा सीता राम कई सुना अरे कवई के बंदरिया दउ सतगुरु के चरणावा बयनवा सुना।